इंडियन बाइकर ड्राइविंग थ्योरी गेम के अंदर आ चुका है एक नया और बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन। और अगर आप भी ऐसा ही रेलवे स्टेशन अपने गेम के अंदर लेना चाहते हो तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को एंड तक देखते रहो। तो फाइनली मैंने ऑफिस का सारा काम खत्म कर दिया है। और यार आज तो ऑफिस का सारा काम खत्म करते करते बहुत ज्यादा लेट हो गया, काफी ज्यादा रात हो चुकी है। और एक तो मेरा बॉस मुझे सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए देता है और पूरा पूरा दिन काम करवाता है। मैं यार बहुत ज्यादा थक जाता हूँ। काश मेरे पास कोई ऐसी जॉब होती जो मेरे घर के पास में भी होती और वहाँ पे काम करना भी बहुत आसान होता और मुझे बहुत सारा पैसा भी मिलता। तो चलो छोड़ो यार, ऐसी जॉब हमें कहाँ मिलने वाली है। फिलहाल अभी हम लोग अपने घर पे आ चुके हैं, अब एक काम करते हैं, सोने से पहले थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, आखिर पता तो चले हमारी सिटी में क्या चल रहा है। तो आज की एक बहुत बड़ी खबर अभी अभी आई है, आपकी सिटी में खुलने वाला है एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन। और जिन लोगों का घर इस रेलवे स्टेशन के पास में है उन लोगों को रेलवे स्टेशन में बिल्कुल फ्री में जॉब मिलेगी और बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। अरे वाह यार, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज है। मतलब कि हमारी सिटी में एक नया रेलवे स्टेशन खुलने वाला है और वो भी अपने घर के पास में। और अगर अपने घर के पास में बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन खुल गया तो भैया हमें वहाँ पे बिल्कुल फ्री में जॉब मिल सकती है और बहुत सारा पैसा भी मिल सकता है। तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग सो जाते हैं एंड कल सुबह हम लोग रेलवे ऑफिसर के पास में जाएंगे एंड उससे बात करेंगे कि क्या हमें जॉब मिल है या नहीं। ओके गाइस, तो अभी सुबह हो चुकी है और जैसा कि हमने कल रात अपने टीवी पर देखा कि हमारे सिटी में एक नया और बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन खुलने वाला है और जिन लोगों के घर के पास में वो रेलवे स्टेशन खुलेगा उनको उस रेलवे स्टेशन पे बिल्कुल फ्री में जॉब मिल सकती है और बहुत सारा पैसा भी मिल सकता है। तो अभी हम लोग जल्दी से रेलवे ऑफिसर के पास में चलते हैं और उससे कहेंगे कि भैया हमें तो एक जॉब जरूर से दे देना। तो काफी स्पीड में अपनी बाइक भगाते भगाते हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे हमें रेलवे ऑफिसर भी मिल चुका है। तो अब जल्दी से इससे बात करते हैं। तो ओके गाइस, मेरी रेलवे ऑफिसर से बात हो चुकी है और रेलवे ऑफिसर ने मुझसे कहा कि तुम्हारे घर के ठीक पास में ही रेलवे स्टेशन खुल रहा है तो तुम्हें तो जॉब जरूर मिलेगी। और तुम्हें कौन सी जॉब मिलेगी वो मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम्हें एक रेड और ग्रीन फ्लैग लेके आओगे। तो मैंने इंटरनेट ऑन कर दिया है और यहाँ पे मुझे ग्रीन और रेड फ्लैग की लोकेशन भी दिख चुकी है जो कि किसी सीक्रेट हाउस के ऊपर रखे हुए हैं। तो हमें वहाँ से इसको लेके आना पड़ेगा। तो अब हम लोग जाने वाले हैं उस सीक्रेट हाउस में वहाँ से ग्रीन और रेड फ्लैग लेने के लिए। बट उस सीक्रेट हाउस में जाना और वहाँ से ग्रीन और रेड फ्लैग लेकर आना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस सीक्रेट हाउस में जाने के लिए हमें इस बहुत बड़े रैंप को कंप्लीट करना पड़ता है और ये रैंप सच में बहुत ज्यादा बड़ा है और इस रैंप में बहुत सारे टास्क भी हैं जिनको हमें कंप्लीट करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो क्या हम इस रैंप को कंप्लीट करके रेड और ग्रीन फ्लैग को ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे वो तो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। फिलहाल अभी इस रैंप को मुझे बहुत ध्यान से कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक टर्न आ चुका है जहाँ से हमें बहुत प्यार से अपने बाइक को आके लेके जाना पड़ेगा। एक सेकंड कंटेनर, ओके यहाँ से भी निकल गए हम और अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बिकॉज ये कंटेनर बहुत आराम से गोल गोल घूम रहा है। चलो इसके ऊपर मैंने बाइक चढ़ा दी है, अब जंप मार दें, बस जंप सही हो जाए। ओके हो गई। तो चलो हमने आधा रैंप कम्प्लीट कर दिया है, मतलब आधा तो हमने कम्प्लीट नहीं करा, थोड़ा सा ही कम्प्लीट करा है, अभी तो बहुत ज्यादा बाकी है। फिलहाल हमें इस कंटेनर को सही होने देते हैं पहले। ओके ऑलमोस्ट सही हो चुका है, चलो निकल गए हम लोग यहाँ से भी। अब एक प्यारी सी जंप मारनी है, बस जंप बेकार ना हो जाए। चलो जंप भी हो गई भाई। तो अभी तक तो हमें इस रैंप को कंप्लीट करने में ज्यादा प्रॉब्लम आई नहीं है, बस यहाँ पे हमें बहुत हल्के हल्के अपने बाइक को आगे लेके जाना पड़ेगा बिकॉज ये रास्ते थोड़े अजीब से बने हुए हैं। ओके यहाँ पर भी एक कंटेनर गोल गोल घूम रहा है तो हमें यहाँ पर भी हल्का सा वेट करना पड़ेगा। अबे यार जल्दी घूम जाए, कितना स्लो स्लो घूम रहा है यार ये। चलो
चलो ये भी हमने क्रॉस कर दिया है। अब सामने से एक रैंप है, रुको मुझे राइट जाना है या लेफ्ट जाना है? ओके हमें लेफ्ट में जाना है क्योंकि राइट साइड में जो रास्ता गया हुआ है वो लौट फिर के यहीं पे आ गया है। तो अभी हमें सामने की तरफ जाना है। वो जो सीक्रेट हाउस है वो बस थोड़ी ही दूरी पे हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। तो फिलहाल तो अभी हम लोग एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर आ चुके हैं एंड यहाँ से एक और रास्ता गया हुआ है, ये रहा। अब बस थोड़ी ही दूर वो सीक्रेट हाउस है। तो अभी तक तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम आई नहीं है, बस मुझे आराम आराम से अपने बाइक को आगे लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से अगर हमें नीचे गिर जाते हैं ना तो हमें दोबारा से इसको कम्प्लीट करना पड़ेगा। बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि हम लोग नीचे गिरने वाले हैं नहीं, बिकॉज मैं बाइक को बहुत आराम आराम से चलाने वाला हूँ। फिलहाल हम लोग सीक्रेट हाउस के आसपास पहुंच ही चुके हैं तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ, और कहीं ऐसा ना हो इस एक्साइटमेंट में मैं अपने बाइक को नीचे ही गिरा दूं। बट ऐसा होगा नहीं बिकॉज तुम्हारा भाई प्रो ड्राइवर है। बट फिर भी मुझे आराम आराम से आगे जाना पड़ेगा। अबे भाई ये क्या हो गया? अबे यार ये क्या कर दिया मैंने? मुझे अपनी बाइक को हल्के हल्के आगे लेके जाना था बट मैंने पता नहीं क्यों स्पीड बढ़ा दी, और मैंने जैसे ही स्पीड बढ़ाई वैसे ही मेरी बाइक ने जंप मार दी और मैं नीचे आके गिर गया। मैं यार ऑलमोस्ट उस रैंप को कंप्लीट करने ही वाला था, हम लोग सीक्रेट हाउस पे पहुंचने ही वाले थे, बट एंड टाइम पे हमारी बाइक नीचे गिर गई और अब हमें दोबारा से ये सब करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो फाइनली काफी ज्यादा टाइम लगाने के बाद और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद हम लोग दोबारा से उसी लोकेशन पे आ चुके हैं जहां से हम लोग नीचे गिरे थे, और अब मैं पहले वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अब मैं बहुत ही हल्के हल्के और बहुत ही प्यार से अपनी बाइक को आगे लेके जाऊंगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ से काफी तेज जंप मार दी थी जिसकी वजह से हम लोग नीचे गिर गए थे, बट इस बार तुम्हारे भाई ने बहुत ही प्यार से यहाँ से बाइक आगे निकाल ली है। ओके तो काफी ज्यादा मेहनत के बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सीक्रेट हाउस पे, और यहाँ पे हमें ग्रीन और रेड फ्लैग मिल भी चुका है। अब इसको लेके जल्दी से चलते हैं रेलवे ऑफिसर के पास। तो फाइनली हम अपने दोनों फ्लैग लेके रेलवे ऑफिसर के पास में आ चुके हैं, और रेलवे ऑफिसर ने हमें फ्लैग मैन की जॉब भी दे दी है, और हमारा काम है ट्रेन को गो और स्टॉप का सिग्नल देना। जब हम लोग रेड फ्लैग दिखाएंगे तो ट्रेन रुक जाएगी, और जब हम लोग ग्रीन फ्लैग दिखाएंगे तो ट्रेन चलने लगेगी। तो फाइनली पूरे 2 महीने के बाद हमारे सिटी में एक नया रेलवे स्टेशन खुल चुका है, और आप देख सकते हो ये कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे 3-3 ट्रेन भी खड़ी हुई है, और इसके पास में एक बहुत बड़ा सेंट्रल स्टेशन भी बना हुआ है जहाँ पे बहुत सारी बस खड़ी है एंड ऑटो खड़े है। तो अगर आप लोग भी चाहते हो सेम ऐसा ही रेलवे स्टेशन आपके गेम के अंदर आ जाए तो कमेंट में जाके लिखो न्यू स्टेशन, और फिर देखते हैं कितने लोग चाहते हैं कि हमारे गेम के अंदर ये वाला रेलवे स्टेशन जल्द से जल्द आ जाए। तो अब मैं तो लग चुका हूँ अपने काम पे, तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना ताकि आपको ऐसे ही खतरनाक वीडियोज डेली देखने को मिले।